वेलकम टू बीकेएस चैनल। सबसे बड़ी खबर हर काम की खबर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों कृपया इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, इस घंटी के आइकन को दबाना न भूलना, जिससे कि आपको मिलेगा सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सुदामा शर्मा जी सादाबाद से आए हैं, हमारी बहन जी सुमन सुमन जी आगरा से आई हैं और नरेंद्र जी आगरा से आए हैं, तमाम लोग हैं। और ये जो लोग हैं ये साधारण लोग नहीं हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी कैपेसिटी एक एक व्यक्ति की 1,000 आदमियों के बराबर की कैपेसिटी है। साथियों मैं देख रहा हूँ कि समाज के अंदर कितनी जागरूकता आ गई, बहुत बड़ी जागरूकता। हर जगह से, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, हर जगह से मांग उठ रही है। क्या मांग उठ रही है कि भाई हर जगह एक ही गाना चल रहा है। आपने देखा कि 2017 के जो चुनाव हुए सारी बिरादरी ने टिकट मांगी, सारी बिरादरी को भागीदारी मिली। जब विधायक बने तो उनका स्वागत समारोह हुआ तो मैंने देखा उसमें क्या गाना बजा कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन सविता सेन समाज का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिससे वो भी कह सके कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। महबूब कहाँ है? क्यों नहीं आपका नेता पैदा हो पाया? अभी मुझे पता लगा कि 26 तारीख को विधायक जी हरिशंकर माहौर कह रहे थे कि भाई सबने अपने सब बिरादरी ने अपने अपने नेता पैदा कर लिए, आपका कौन नेता है? सही बात है, हमारे लिए लज्जा की बात है। लेकिन साथियों आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए। माननीय मंत्री जी जिनको हमारे समाज की सबसे ज्यादा चिंता है, सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को है उत्तर प्रदेश में तो हमारे रात दिन हमारे समाज के विषय में चिंता करते हैं और बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझको कुछ भी करना पड़े, लेकिन सबका से समाज को मैं आगामी दिनों में भागीदारी दिलवा कर रहूंगा। समाज को बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी उन लोगों से कि ये लोग MLC बन करके समाज का उद्धार करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। लेकिन आज जगह जगह कटी पतंग बन के घूम रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, है ना। मैंने एक दिन बहन जी से कहा, मायावती जी से, हमने कहा बहन जी आपने तो 2007 से 2012 के बीच में 5-5 मंत्री एक ही घर से बना दिए। तो बहन जी ने कहा मेरी क्या गलती है। मैंने उससे कहा तुम्हारा जो वो नेता है, अब मैं नाम बोलूं क्या, आप लोग जानते हैं तुम्हारा वो जो नेता, मैंने उससे पूछा कि कोई सविता सेन समाज की महिला हो तो मुझको बताओ, मैं उसको राज्य मंत्री बनाना चाहती हूँ महिलाओं में। मैंने उससे कहा कि कोई महिला हो, गरीब घर की महिला हो, पीड़ित हो, शोषित हो, झोंपड़ी में रहती हो, उसको बताओ, मैं उसको राज्य मंत्री महिला आयोग में बनाऊंगी। बहन जी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष, बोले साहब मेरा भाई है, बोले साहब एक और राज्य मंत्री। बहन जी ने कहा एक और राज्य मंत्री, भाई सुनिए, एक और राज्य मंत्री में बनाना चाहती हूँ, बोले साहब वो मेरा साला है। यानी सारे पद अपने घर में,
सारे पद अपने घर में। साथियों, अगर मंडल कमीशन को कोई खा गया तो ये परिवारवाद खा गया, और सभ्यता समाज की राजनीतिक भागीदारी को अगर कोई खा गया तो ये परिवारवाद खा गया। मंडल कमीशन को कोई खा गया तो मुलायम सिंह का परिवारवाद खा गया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, परिवारवाद खा गया, और सभ्यता संघ समाज की राजनीति को अगर कोई खा गया, राजनीतिक भागीदारी को कोई खा गया तो एक व्यक्ति के का परिवारवाद खा गया। आज उत्तर प्रदेश में कोई माई कलाल एसपी सिंह पे आरोप नहीं लगा सकता कि इन्होंने एक रुपया भी किसी का दिया, वही बता दे। लेकिन लोगों के बारे में क्या क्या कहानियां हैं अजीत, अब ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए नेता करेक्टर वाला होना करेक्टर। कुछ नेता क्या करते हैं, मैंने सुना एक नेता जी भागीदारी मिल गई तो उन्होंने मोबाइल नंबर बदल दिया। बोले भैया ऐसा है कि ना मोबाइल नंबर रहेगा वो, क्योंकि जब हम संघर्ष कर रहे थे तो मोबाइल नंबर वो था, और जब भागीदारी मिल गई तो नंबर बदल दिया। नहीं, एसपी सिंह नंबर नहीं बदलेगा, क्योंकि आपकी पीड़ा की चिंता एसपी सिंह को है। इसलिए साथियों, एसपी सिंह को आपकी भागीदारी की जरूरत, आपके सहयोग की चिंता है। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, अब तक लोग कहते थे, आपसे कहते थे जब आप भागीदारी मांगते थे, अरे भाई आप हैं ही कितने, यही आपसे कहा जाता था, आप हैं ही कितने। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, आप भी सुन लीजिए और लिख लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से जामनगर, और अटक से कटक तक इस देश के 32,83,347 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, इस देश के 5,75,936 गांव में सभ्यता सेन समाज के लोग रहते हैं। साथ यहाँ पर सभी हमारे कर्मठ समाज सेवी नेतागण, आयोजक मंडल के सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से जिस समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होती है, उस समाज का वजूद पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक भी है, व्यवहारिक भी है। और भाई एसपी सिंह नंद जी सहित यहां पर जितने भी हमारे सभ्यता समाज के साथियों ने समाज की भागीदारी की चिंता जताई है, मैं आपकी हूबहू इन भावनाओं को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने मजबूती से रखने का काम जरूर करूंगा। आपकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपकी जो पीड़ा है समाज की हिस्सेदारी भागीदारी का, मजबूती के साथ आपका ये पक्ष रखूंगा। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में आपको भागीदारी मिले भी। साथियों,
राजनीतिक भागीदारी के लिए आवाज बुलंद करना, अपनी बात को मजबूती से रखना और बात मनवाने के लिए कभी कभी हठ और जिद करना, ये सब लोकतंत्र की शान है। आपने देखा होगा आज हमारे देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक दलित का बेटा बैठा हुआ है, रामनाथ कोविंद। और आपको कहानी मालूम होगी कि रामनाथ कोविंद जी कई बार एमएलए का टिकट मांगे, नहीं मिले। 2014 का भी पार्लियामेंट टिकट मांगे, नहीं मिला। 2017 में एमएलए का भी टिकट मांगे, नहीं मिला। लेकिन उसके बाद बिहार प्रदेश के राज्यपाल लिए और बिहार प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ कि देश के सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति के पद पर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए बात मजबूती से रखनी चाहिए, जोश के साथ भी रखनी चाहिए, लेकिन जोश में होश भी बनाए रखना चाहिए। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, कई बार एमएलए का टिकट मांगे नहीं पाए, कट गया। पार्लियामेंट का टिकट पाए नहीं मिला, कट गया। और एमएलए का भी टिकट मांगे, मिलते मिलते रह गया, तो राज्यपाल भी बन गए, राष्ट्रपति भी बन गए। अरे नंद जी भी टिकट मांग रहे थे, मिलते मिलते इनका भी कट गया। इसलिए हमने ये कहा, हमने कहा साथियों हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। और जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र अधूरा रहेगा। इसीलिए आज प्रदेश और केंद्र दोनों जगह हमारी सरकारें हैं, बहुत से ऐसे मौके भी हैं जहां बहुत सारे लोगों को हिस्सेदारी दिया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है। इसीलिए साथियों एसपी सिंह नंदी, जहां आपके समाज के बड़े नेता हैं, वही हमारे दाहिने हाथ भी हैं। इसलिए जितनी चिंता आपको अपने समाज की है, जितनी चिंता आपको अपने नेता यशवंत सिंह नंद की है, उतनी ही चिंता आपके समाज और यशवंत सिंह नंद दोनों की मुझके मुझे भी है। इसे साथियों मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, पहले भी जब समाज की हिस्सेदारी दिलाने की बात आई थी तो मैं आगे आया था, समाज को हिस्सेदारी दिलाया भी था, एक नहीं दो दो बार दिलाया था। आज भी इस समाज को हिस्सेदारी दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा, हिस्सेदारी मिलेगा। इस आश्वासन के साथ पुनः आप सबका आयोजन मंडल के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात पर विराम इसलिए देता हूं कि मुझको ट्रेन पकड़ के बाहर जाना है। धन्यवाद।
दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को करें अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की।